टंडोल एयर में नारिजो बरादरी के लोगों ने खैरपुर में पुलिस की फायरिंग में कत्ल होने वाले 8वीं क्लास के तालिब इलम सज्जन नारिजो के कातलों की गिरफ्तारी के लिए लियाकत गेट पर पुरामन एहतजाज किया। इस मौके पर पुन्नल नारिजो, इमदाद नारिजो, प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर यूनियन के रहनुमा रियाज जट और यामिन मुगल मकबूल, जुल्फिकार जरवार और नारिजो बरादरी के अफराद, दीगर सियासी समाजी रहनुमाओं और इंसानी हकूक के जिम्मेदारान ने खिताब करते हुए कहा कि बीठा हूँ एक नाहक खून थो जो रियासत की जी दहशतगर्दी आ दहशतगर्दी ये घर ये बाजार गर्म कर रखो इन का पैर हाफ फ्राई फुल फ्राई तो असा बुधंदी पर हाँ स्कूल जहा शागिर्द अठे साल जहाँ बार जो रियासत दहशतगर्दी पुलिस गर्दी का शिकार थी रहा या जुल्म ज्यादती अगर सिंधी अंदर ये हलंदी रही तो ये नौजवान कलम न खणंदा कोई हथियार खणंदा कोई उन चो तो सिंध जहाँ नौजवान हाँ पुलिस गर्दी के सामू बीठा अठे आठी क्लास के शागिर्द पुलिस बेदर्दी से उन्हें कत्ल कर पुलिस इंसाफ कर वे छो तो एक गरीब से जैसे नाइंसाफी थी तो अस गरीब जो बार वो पुलिस ले वो कानून ले वा मेहरबानी कर इंसाफ कर वे। हम आज जो इकट्ठे हुए हैं ये सज्जन नारिजो का जो नाक कत्ल हुआ है इनके गांव पे बार बार पुलिस चढ़ाई करती है, बार बार वहाँ पर हमले करती है, बार बार वहाँ पर गिरफ्तारियाँ होती हैं, पर एक जो ना खुशगवार और बिल्कुल जो है पुरजोर जिसकी मजम्मत की जाए वाकया 8वीं जमात के तालिब इल्म सज्जन नारिजो को जो शहीद किया गया मैं उसको शहीद कहूँगा क्योंकि तालिब इल्म कभी दहशतगर्द नहीं होते। के स्टूडेंट सज्जन नारिजो का कत्ल हुआ है हम उस सिलसिले में आज एहतजाज कर रहे हैं। इसमें नारिजो कौम के अलावा हमारे साथ सिविल सोसाइटी और भी सारी कौमें दोस्त हैं जो हमारे साथ आए हैं। ये खैरपुर पुलिस ने जो है वहाँ पे एक वहशत का राकास बना रखा है और पुलिस गर्दी जो है वो पूरी सिंध के अंदर कल रात इन्होंने जो है वो नवाब शाह के अंदर एक वडेरे के बोलने पे गुपचानी बरादरी के दो नौजवानों को हाफ फ्राई किया है। ये मैं बोलता हूँ पुलिस गर्दी जो है ये पैसों पे सारा काम कर रहे हैं ऐसे किस्म के ऑफिसर। आज एक 8वीं क्लास के जमात के आप लोगों ने कत्ल किया है उसका स्टूडेंट का तो ये क्या है? ये पूरी तालीम का कत्ल है, ये नारिजो बरादरी का कत्ल नहीं है, पूरी तालीम का कत्ल है। हम पाकिस्तान के आला अहकाम से गुजारिश करते हैं कि इसकी आप इंक्वायरी करें, इसमें मुलविस ऑफिसरान को जो है के केस की जुडिशनल इंक्वायरी की जाए और वजीर आला सिंध, सुप्रीम कोर्ट के जज और तमाम इंसाफ पसंद लोगों से ये अपील करते हैं कि सज्जन नारिजो के लवाहिकीन के साथ इंसाफ किया जाए और असल मुजरिमों को इंसाफ के कटेरे में लाया जाए ताकि आइंदा इस किस्म के सानेहात की रोकथाम हो सके। मैं गुजारिश करता हूँ वजीर अजम पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, वजीर आला सिंध साहब से अपील करता हूँ कि ना हक कत्ल किए जाने वाले सज्जन नारिजो के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और वो वहाँ जो पुलिस गर्दी चल रही है सिर्फ नामिनेट नारिजो कौम को डाकू करार दिया जा रहा है ये सरासर गलत है। नारिजो एक पढ़ी लिखी कौम है, ब्यूरोक्रेसी में भी नारिजो कौम के अपराध हैं, स्टूडेंट्स में भी और आम ऑफिसर्स भी। मासूम तालिब इलम को पुलिस गर्दी का निशाना बनाने वाले अहलकारों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि दिन ब दिन पुलिस गर्दी के वाकियात में इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि नारिजो बरादरी मुहिब्बे वतन है, इस तरह के वाकियात करके बच्चों से कलम छीनकर हथियार उठाने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, वजीर आजम इमरान खान और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया कि सज्जन नारिजो के कातिल पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करके सजा दी जाए। कैमरा टीम के साथ तारिक हमीद अब्बासी, HNN न्यूज़, टंडो अलैयार।